हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये रास्ता पहाड़ पर जाने का। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको राम जानकी मंदिर दिखाई थी, जस्ट उसके बगल का ही ये रोड अंदर की तरफ गया है जो जाता है तीन पहाड़ टेंपल। यहाँ देखिए, मंदिर से रिलेटेड हर सामान मिलता है, फोटो, लॉकेट, सब कुछ। अगर हमको नोचा तो पापा देखिए। यहाँ पर बंदर बहुत है। मेरा तो नहीं भाग सकता। इस रोड के दाहिने साइड जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो समाधि वाले बाबा का मंदिर है, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं गए हैं अभी। अभी दोपहर के 12:30 बज गए थे, हमें भूख लग गई थी, तो इस होटल में हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। ढाबा है जिसमें पर पर्सन ये 40 रुपये ले रहे थे और कोई लिमिटेशन नहीं था, जितना मन उतना खा सकते। इस ढाबे का नाम था पायल पवित्र भोजनालय। 40 रुपये में भरपेट कढ़ी है, एक आलू मटर की सब्जी, एक दाल, रोटी जितना मन उतना, मूली मिर्च। हमारा खाना हो गया था। खाना होने के बाद हम लोग ढाबा के बाहर में थोड़ी देर बैठे रहे। इस तरह का ना छोटा छोटा दुकान आपको रास्ता भर दिखेगा। काफी लोग वापस आ रहे हैं, उनका दर्शन हो चुका है। रास्ता भर आपको छोटा छोटा मंदिर मिलता रहेगा। मेरा भैया मस्ती खोर, मेरा बाबू लखोर। इसका जूस कहाँ? बैठो यहाँ फादर। कहे यहाँ पर चौकी लगा, उस पर बैठ जाते हैं। तो मेरे पापा आ रहे हैं, हमारा आ गया, हमारा गन्ना कर रहा है। अरे छोटू बुला रहा है। गाइस, यस, स्टेमिना आ गया, अब आगे बढ़ेंगे। रास्ते भर आपको इस तरह की चपेतली सीढ़ी मिलती रहेगी। यहाँ पर डेकोरेटेड ऊंट और घोड़े रास्ते भर है। आजो भैया, फोटो वोटो बनवानी है तो आजो भैया। राजस्थानी ड्रेस में, पोशाक में, फुल ज्वेलरी में, अर्जेंट आजो। आ जा आ जा, सिकाई हो रही पहन। यहाँ पर ना राजस्थानी ड्रेस पहना करके आपको फोटो लिया जाता है। छोटा फोटो निकलवाएंगे तो 40 रुपये और बड़ी फोटो का 80 रुपये। हाथों हाथ फोटो दे देते हैं। ऊँट पर भी बैठ के खिंचवा सकते, घोड़े पर भी, और बिना इनके भी। देखिए, जो स्कर्ट्स टंगा है ना, वही पहनाते हैं ये लोग। पहना करके अपने मनपसंद कलर के अनुसार आप पहन सकते हैं। पहन करके फिर ये लोग फोटो खींच देते हैं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं तीन पहाड़ी, भैरव बाबा का मंदिर, उसे तीन पहाड़ी क्यों कहते हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। व्यू बहुत सुंदर है। आपको ना रास्ते भर इस तरह का स्टूडियो दिखेगा जहाँ राजस्थानी ड्रेस पहना के फोटो खिंचाया जाता है। अभी हम जिस मंदिर में जाएंगे ना, वो पहला पहाड़ी शक्ति स्थल है, जो कि है आपको घाटे वाले बाबा का मंदिर। ये पहला शक्ति स्थल, ऐसे ही आएगा दूसरा, फिर तीसरा, इसीलिए उसको तीन पहाड़ी शक्ति स्थल बोला जाता है।
फ्रेंड्स आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंदिर में ना काला कपड़ा पहनकर बिल्कुल मत आइएगा। मुझसे ये गलती हुई थी, आप मत कीजिएगा। इस बात को लेकर ना पंडित जी मुझे यहाँ समझाए थे। नीचे की तरफ से और इस तरफ मंदिर पड़ा था। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्राचीन घाटे वाले बाबा का मंदिर। यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर और था, फिर इसके दाहिने साइड से हमें जो रास्ता गया वहाँ से निकलना था। इधर जाना है ना, देखिए यहाँ पर भी स्टूडियो बना हुआ है। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किए थे, चाय पानी पिए थे, उसके बाद आगे बढ़े थे। खाई है, बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पर। देखिए अब जो मंदिर आई है ना, ये दूसरी है। देखिए क्या लिखा, प्राचीन मंदिर श्री घाटे वाले बाबा दो पहाड़ मेहंदीपुर। वो पहला था, ये दूसरा है। तो अब वो पहला हो गया, ये दूसरा है, अब आएगा तीसरा। तो इसीलिए इसे ना तीन पहाड़ी टेम्पल कहा जाता है। गाइस अभी आधा रास्ता तक आए गधे भैया लोग, एक दो तीन चार, चार भैया। खा भैया खा, मामा आपकी बहन यहाँ बैठी है, लाई आपके लिए खाने के लिए। इधर नहीं खड़ा, नू आएगा मारेगा चल जाएगा। काफी दूर है। मंदिर बस कुछ ही कदम दूर है। जय भोलेनाथ। बीच बीच में खाने का भी है रास्ते भर। अंदर मंदिर में फोटो लेना मना है ना, यहाँ तो ले ही सकते हैं। वहाँ से आने का रास्ता है, ये मेन मंदिर है। तीन पहाड़ शक्ति स्थल। मंदिर में दर्शन करने के बाद ना मंदिर के बाहर ही ये होटल है जहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ के पकौड़े बहुत टेस्टी रहते हैं, तो हम लोग पकौड़े खाने आए थे। जब भी आते हैं तो हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। जब हम लोग पकौड़े खा कर निकले रास्ते में, फिर मेरा और मम्मी का प्लान बना कि हम लोग भी राजस्थानी ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचाएंगे। तो मैं तो तैयार हो रही थी और फिर मम्मी भी बोली मैं भी खिंचाऊँ, तो हम लोग दोनों तैयार हो रहे थे।
हम लोग अपने खुद से ड्रेस चूज किए, मैं ब्लू ली, मम्मी येलो ली। पापा से पूछ लो, अगर पापा माँ के साथ में आएंगे तो। पापा आप आइएगा मम्मी के साथ, आप आइएगा मम्मी के साथ। फोटो फोटो खिंचवाएंगे। पापा को भी ड्रेस पहनाएगा लेकिन। हाँ पापा आइए ना, आपको भी राजस्थानी ड्रेस पहना के मम्मी के साथ खड़ा करेंगे, फोटो नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये लोग इयररिंग नहीं देते हैं, तो मैं जो इयररिंग पहन के आई थी घर से वो इसमें पूरा मैच कर गया। वो भैया भी बोल रहे थे फोटोग्राफर, और मैं घर से ये नहीं सोच के आई थी, मीन्स रूम से जहाँ रुकी थी कि मैं जा रही हूँ फ़ोटो खिंचाऊँगी। थे फोटो के लिए, जैसे जैसे वो फोटोग्राफर भैया बता रहे थे खड़े होने के लिए, हम लोग वैसे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। लेकिन हम लोग में ये नहीं पता चल रहा था मम्मी कौन है और बेटी कौन है। अरे वहाँ पर फोटो लेने के बाद फिर हम लोगों ने ऊंट पर भी फोटो लिया। मुझे ऊंट से बहुत डर लग रहा था। तो फ्रेंड्स व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।